3 দিনের দার্জিলিং সফরে রবিবার সকালে শিলিগুড়ি বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। আজ দার্জিলিং যাওয়ার আগে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি খুবই চিন্তাজনক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রকাশ্যে অনাদর করা হচ্ছে, এটা বরদাস্ত করা যাবে না। রাজ্যপাল হিসেবে আমরা দায়িত্ব সংবিধানকে রক্ষা করা, আমি সেই চেষ্টাই করে চলেছি। মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভার অধ্যক্ষকে একাধিকবার ডেকে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা আলোচনার একটা বিন্দু আমার সামনে রাখতে পারেনি। বিধানসভার অধ্যক্ষকে নিজের নিজের আসনের মর্যাদা রাখা উচিত, তিনি নিজের দায়িত্ব এবং অধিকারের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আইন কি বলে, রাজ্যপাল যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাকে না জানিয়ে কি উপাচার্য নিয়োগ করা যেতে পারে? দেশে কোথাও এমন আইন নেই। ভর্তি চলছে কাঁঠালবেড়িয়া নবদিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যোগ ও নেচারোথেরাপি ইনস্টিটিউট। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন বিথুয়া ডোহারি কাঁঠালবেড়িয়া নাকাশিপাড়া নদিয়া। মোবাইল নম্বরটি হল 7908221212 অথবা 9046756682। এই নম্বরে দেশ মে যা ভি লোকসভা কে চুনাও হতে হ্যাঁ, যা ভি বিধানসভা কে চুনাও হতে হ্যাঁ, সিএপিএফ কা ডিপ্লয়মেন্ট হোতা। সিএপিএফ কা ডিপ্লয়মেন্ট কা মুখ্য আধার হ্যায় कि मतदाता को बल मिले, और पश्चिम बंगाल में तो ये निहायत ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस और प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनको आगाह किया है, चेताने की कोशिश की है, लगता है उनके कान पर कोई जूनी रेंग रही है। इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। मैं दंग रह गया, लोगों ने मुझे कहा मामी राज्यपाल ये क्या हो रहा है। हावड़ा के बारे में राज्यपाल के समक्ष मैं पुरजोर से कह रहा हूँ, राज्यपाल के समक्ष कोई कागज, कोई पत्रावली, कोई डिस्कशन, कोई विवेचन हावड़ा और हावड़ा म्युनिसिपैलिटी के विभाजन का और बाली के क्रिएशन का नहीं आया है। और जो बिल मेरे समक्ष आया है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा है और उच्च न्यायालय के निर्णय में भी 5 पेज पर यह दर्शाया गया है कि मैंने उस बिल को असेंट दे दी, प्रकाष्ठा है झूठ। उच्च न्यायालय जैसी संस्था के समक्ष राज्य का वरिष्ठ वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता ये बयान दे दे कि राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिया। मेरे बजट स्वीकार करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मर्यादा को लांघते हुए फरवरी के मध्य में इसकी शुरुआत कर दी। मैंने प्रश्न उठाया है, 45-46 दिन तक इस मार्क कैंटीन का पैसा कहाँ से आया, ये डाइवर्शन कैसे हुआ, ये इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया गया, इसके कौन दोषी। सबसे बड़ी चिंता और चिंतन मुझे तब होता है जब राज्य के मुख्य सचिव द्विवेदी जी को बुलाता हूँ, ACS होम गोपालिका को बुलाता हूँ, वो तो मोम की गुड़िया है, उनके साथ विचार विमर्श का कोई नेता नहीं निकल, बिना मुख्यमंत्री के निर्देश की उनकी जबान भी नहीं खुलती। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जिस सर्विस के वो सदस्य हैं, जिस पद पर वो हैं, उसकी गरिमा पर इतना बड़ा कुठाराघात करना। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँ, मीडिया कहाँ है, आप लोग क्यों इतने शिकंजे में हैं, आप लोग क्यों प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जैसे मरते होते हुए देख रहे हैं, आप इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाते। व्हाई शुड मीडिया बी कैप्टिव ऑफ रूलिंग डिस्पेंसेशन। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव ने दिखा दिया, राज्य का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है,
सरकार का एक अंग बनकर रह गया। मैंने सीसीटीवी के मामले में व्यापक जानकारियां मांगी हैं और मेरा मत है, मेरा निश्चय है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देंगे। यदि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, बिना भय के नहीं होंगे और आयोग सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बन जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती और कुठाराघात प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर होगा। ये कहीं भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए, आपके परिजनों के लिए सुखदायी हो, शांति का हो।